नमस्कार, स्वागत है आपका विंध भारत में। मैं आपके साथ अंशिता। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। अवैध पिस्तल, कट्टा, कारतूत जैसे हथियारों के जखीरा सहित 5 आरोपी रीवा पुलिस की गिरफ्त में। लंबे समय से अवैध हथियार बाहर से लाकर अपराधियों तक पहुंचा रहे थे। अवैध हथियारों को लेकर रीवा की बिछिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को पकड़ा है। इनके पास से 3 पिस्टल, 32 बोर के कारतूस से लोडेड एक कट्टा, 12 बोर का 10 कारतूस सहित 315 बोर के 4 कारतूस, बुलेट, हीरो होंडा, मोटरसाइकिल, एक्टिवा, 3 दोपहिया गाड़ियां भी इनके पास से बरामद हुई है। साथ ही 5 आरोपियों के पास से मोबाइल फ़ोन भी पुलिस ने जब्त किए हैं। पिछले कई दिनों से रीवा में फायरिंग की घटनाएं बढ़ गई थी, जिसके चलते पुलिस ने जाल बिछाया, अपना मुखबिर तंत्र बेहतर किया। नतीजे में बाहर से आने वाले अवैध हथियार के सप्लाई करने वाले पुलिस की गिरफ्त में आ गए। आरोपी में से एक रीवा, 3 सतना और एक नागौद का रहने वाला है। पुलिस का मानना है कि इनकी मदद से हम उन अपराधियों तक आसानी से पहुंच जाएंगे जिन्होंने इनसे कभी ना कभी हथियार खरीदे होंगे। आरोपियों तक ना पहुंच जाए, जिससे पुलिस को फिर पकड़ धकड़ में असफलता का सामना करना पड़े। जी, सबसे पहले जो जानकारी में आया वो सोशल मीडिया से जानकारी में आया कि इस बंदे ने अपना फोटो वेपन के साथ में डाल रखा है। जन्मदिन मना रहा, उसी को ध्यान में रखकर इस चीज को ट्रेस किया गया। पहले उस व्यक्ति को ट्रेस किया गया, फिर उसके नेटवर्क को ट्रेस किया गया। इसमें हमारी साइबर टीम के डीएनसी और उनकी टीम के द्वारा भी सहयोगी सराहनीय कार्य किया गया। ये हनी पांडे है जो अपने रीवा चिरौला मंदिर के पास का रहने वाला है। हथियार सर कितने में बेचते थे? 25,000 से 30,000 के बीच। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।